तुम्हारी बहन निकी, आज का दिन हमारे बेहद खास है क्योंकि आज तुम्हारा पहला जन्मदिन है और हमारा पूरा परिवार बेहद खुश है सेलिब्रेट करने के लिए। हैप्पी बर्थडे निकी मेरा बच्चा। मेरी जान से प्यारी बच्ची, मुआई। मेरी स्वीट बहन, सबसे आगे नंबर वन। मैं तो बस यहाँ केक खाने के लिए बैठा हूँ। चलो, चार में से तीन सिंह तो खुश हैं। चलो चलो, निकी को उसका पहला बर्थडे गिफ्ट कौन देगा? मामा, मैं प्लीज प्लीज मामा प्लीज। ठीक है रो। वाह, पता मैं क्या लाया हूँ? एक टी-शर्ट। कैसा लगा निकी को टी-शर्ट? पापा, आपको कैसा लगा? अच्छी है। मुझे पता था आपको अच्छा लगेगा। एक पैक फ्री मिल रहा था, इसलिए आपके लिए भी लाया हूँ एक टी-शर्ट। हैप्पी बर्थडे एडवांस में। थैंक यू। सनी, चलो तुम्हारी बारी। दीदी, वो बैग। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा तरीका है किसी को गिफ्ट देने का। थैंक्स। कार रेसिंग वीडियो गेम? हाँ, देखो दीदी, निकी बड़े होके वीडियो गेम खेलेगी, इसलिए जब तक वो बड़ी नहीं होती तब तक मैं वीडियो गेम खेलूंगी। शाबाश सनी बेटा, तू हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है ना? माँ, अब मेरी बारी। ओह, देखो 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 इसमें क्या है। दिखाओ दिखाओ। क्या लेकर आई है दीदी? हो डॉली, कितना प्यारा गिफ्ट है। जैसी मैं वैसे मेरा गिफ्ट। ये तो वही पिक्चर है जो हमने निकी के पैदा होने के वक्त ली थी। हाँ, बहुत ही अजीब दिन था वो। शुरू तो बहुत अच्छा हुआ था। मुझे याद है, मैं अपने नन्हे से बच्चे का आने का इंतजार कर रही थी। कितनी खुश थी मैं। आयो रब्बा, मर गई मैं। ये बच्चा कब बाहर होगा? क्या हुआ माँ? सनी, उठ, बाहर निकल, आउट। दीदी, माँ नए बच्चे के बारे में बात कर रही है ना माँ? ये बदबू, ये क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कभी कभी पाँव हो जाती है, झेलो तो। नहीं 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 नहीं, तो उससे भी बुरी बदबू है। क्या है ये? ये बदबू तुम्हारे खाने में से आ रही है। पापा का फेमस अंडा सैंडविच जो तुम्हारे फिशिंग ट्रिप के लिए खास बना है। शी, अंडा सैंडविच क्यों? ये तो मछली भी नहीं खाएगी। हम तैयार हो ना मस्ती के लिए। तैयार तो हूँ पापा, लेकिन मस्ती आपके साथ फिशिंग जो जाना है। पापा, एक काम करोगे, मुझे स्कूल छोड़ दो ना। स्कूल? हाँ, वो क्या है ना, मैंने और पैम ने एक प्ले तैयार किया है चिल्ड्रंस डे के लिए, तो रास्ते में मैं कॉस्ट्यूम्स ले लूंगी। ठीक है, चलो चलो रोहन, बाय डार्लिंग। सनी, अगर तुझे थोड़ा भी टाइम मिले ना तो मेरा प्ले देखने जरूर आना, क्योंकि इसे मैंने लिखा है। इसमें दो अलग अलग दुनिया के लोग अपने बीच की दूरियों को भुलाकर दो से एक हो जाते हैं। तुम्हारे प्ले की एक कहानी सुनकर मैं तो पापा का अंडा सैंडविच खाने को भी तैयार हूँ। खाने को चाहू केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा सन बेबी, समझ ले तू भी नैपी, बांधो जब तू तैयार। आजा सन बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा सन बेबी। थोड़ा सा और एक शगुन के लिए। आ, आ, बच्चे रुक जा, अभी तो केक भी नहीं खाया मैंने। अच्छा।
जल्दी। उफ़, अब क्या करें? मैं तो अभी तालाब के बीच में हूँ। कोई फिक्र ना जी, पहली बारी थोड़ी ना है, पहले ही तीन हुए हैं, दिक्कत के बिना ये चौथा भी हो जाएगा। लेकिन मैं कह देती हूँ, पांचवा नहीं होगा। अरे रोहन, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। नहीं नहीं, बोर्ड पे खड़ा मत होना, बोर्ड पे, अरे गिर जाएंगे। अस्पताल फोन करती हूँ। हेलो, मैं हिमानी सिंह बोल रही हूँ। डॉक्टर वर्मा है? नहीं है? उनको बोलना मेरे लेबर शुरू हो गए हैं, मैं अस्पताल आ रही हूँ। आई चप्पल मेरी। लगता है अस्पताल मुझे नंगे पांव ही जाना पड़ेगा। एक आखिरी बार। आई बच्चे, आ रही हूँ, तेरा टाइम भी आ गया। सॉरी, मुझे बोर्ड पे नहीं खड़ा रहना चाहिए था, सुन लिया? कितनी बार बोलना पड़ेगा? हॉस्पिटल यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, बस पूरे रास्ते बोलते रहे। ये क्या है? गोरिल्ला? लेकिन ये गाड़ी में कैसे घुस गया? मुझे क्या पता, तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे? अब इसे बाहर कैसे निकालेंगे? हम उसे नहीं निकालेंगे, गोरिल्ला वो है, ये फैसला वो करेगा कि वो कब बाहर निकलेगा। नहीं, आप तो पहलवान बनना चाहते थे, निकाल के फेंक दो उसे। मैं पहलवान बनना चाहता था, भगवान नहीं। और अब हम हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? धीरे धीरे चलते हैं। ओ, ये पुंदर का बच्चा मेरे सारे अंडा सैंडविच खा गया। सुनिए आपने, नाटक मंडली अगली बिल्डिंग में है। वैसे तुम हो क्या? मैं हूँ ड्रैकुला और ये है अवतार, और हम एक प्ले के दो कैरेक्टर्स हैं जो मैंने लिखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। कोई नहीं, ऑडियंस को भी कुछ समझ में नहीं आया। क्या बात कर रही है, ऑडियंस कितनी खुश थी। डॉली, कोई खुश नहीं था, और हमारा नाटक बिल्कुल बकवास था। अच्छा, तो जब हम स्टेज से उतर रहे थे, लोग इतनी जोर जोर से तालियां की बजा रहे थे? वो इसलिए क्योंकि हम स्टेज से उतर रहे थे। हिमानी सिंह से मिलना, वहां से दूसरा कमरा, लेकिन ख्याल रखना कि बाकी के मरीज तुम दोनों को देखकर डर ना जाए, समझे? हे माँ। हे ड्रैकुला, कैसी हो परमिंद्रा? आऊ, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने अपनी ये शक्ल आईने में देखी थी। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो। माँ, वैसे सनी कहाँ है? सनी घर पे है शायद। घर पर? माँ, आपने सनी को घर पे अकेले छोड़ दिया? फोन करो। हेलो सनी, तू ठीक तो है? दीदी, जिंदगी में इतना ठीक कभी नहीं हुआ। रोहन, वो देख। अरे कोई है? अरे
इस टेम्पो का मालिक? पापा अब ये क्या कर रहे हो? अरे रोहन हमें हॉस्पिटल पहुंचना है, मैं देख रहा हूं कि मैं इसे बगैर चाबी के स्टार्ट कर सकता हूं कि नहीं। पापा पापा ओए साले मुर्गी चोर, तुम्हारी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी नहीं चुरा रहे थे, वो क्या है ना बिना चाबी के स्टार्ट कर रहे थे। देखिए किसान जी, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे बाद में आपको पछताना पड़े, है ना, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उसकी वजह बता सकता हूँ आपको। आप मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, पर उससे पहले थन्ने ऐसे तोड़ूंगा जैसे खेत में से गन्ना। भाई बड़ा लड्डू या छोटा? ओए बड़ा दे, छोटा तो मन्ने से तोड़ के बना देंगे। हाय नजर ना लगे इसे, कितनी प्यारी लग रही है, देखो कैसे खा रही है। ओ मेरे बाबा, जब वो ऐसे खाए तो प्यारी है और जब मैं करता हूँ तो नालायक। वो इसलिए क्योंकि उस दिन हम एक रेस्टोरेंट में थे और वो केक भी तुम्हारा नहीं था लेकिन टेस्टी था। अरे वो सब छोड़ो पापा, आगे कहानी में क्या हुआ? उन किसानों ने आपको गन्ने की तरह तोड़ा कि नहीं? रोहन तुम भी तो थे वहां पे। आगे ये हुआ कि वो दोनों किसान गुस्से में मेरी तरफ घूरते हुए आगे बढ़े और मुझे उनको अपना खूंखार रूप दिखाना पड़ा, जिसे देखकर वो दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे। देखिए किसान जी, आप हमें मत मारिए, हमें मत तोड़िए। मन्ने एक वजह तो बता कि मन्ने तुम दोनों को गन्ने की तरह क्यों ना तोड़ो? क्योंकि हमें बहुत दर्द होगा। देखिए किसान, मैं बताता हूँ, देखिए मेरी बीवी अस्पताल में है, उसको बच्चा होने वाला है ना, और मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, और हमारी गाड़ी में गोरिल्ला घुस गया, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम आपका टेम्पो लेके बस थोड़ा हॉस्पिटल तक। ये गाड़ी तो बड़ी जज्बाती है, अब इन दोनों की मदद तो करनी पड़ेगी ना, और इन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचाना पड़ेगा। देख भाई बचपन से ही ऐसा ही है, इसको किसी का दुख सहन नहीं होता, वेरी इमोशनल टाइप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वैसे मैं अवतार हूँ और ये मेरा बेटा रोहन। जी हम है बलवान और महा बलवान। ओह नाइस टू मीट यू महा बलवान जी। मैं बलवान हूँ और महा बलवान तो यो है। अच्छा। दरअसल हमारा नाम टिंकू था पर मन्ने अपना नाम पसंद नहीं आया, सो नाम बदल के महाबलवान रख लिया। आपने हमारा नाम टिंकू बुलाया ना, तो आप इन्हें गन्ने की तरह तोड़ देंगे। आंटी आप थोड़ा शोर कम करोगे, मुझे फिल्म के टिकट्स बुक करने हैं। अरे लेकिन वो कहाँ है, दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। रिलैक्स मां, पापा अभी आ जाएंगे, डोंट वरी। अरे पापा की किसको पड़ी है, मैं तो डॉक्टर वर्मा का इंतजार कर रही हूँ जिन्होंने मेरी सारी डिलीवरियां की हैं। ए आंटी अगर डॉक्टर वर्मा नहीं आए ना तो इस बच्चे को मैं इस दुनिया में लेकर ही नहीं आऊंगी। वेट ड्रैकुला, बारा बात करनी है तेरे से। डॉक्टर वर्मा आज नहीं आएंगे। क्या बिल्कुल नहीं आएंगे? नहीं थोड़े से आएंगे, बाकी घर पे छूट जाएंगे, आज उन्होंने छुट्टी ली है, उनके बेटे का जन्मदिन है। मतलब डॉक्टर वर्मा आएंगे ही नहीं? देखो डॉक्टर वर्मा आज नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, थोड़े नहीं आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, पूरे के पूरे नहीं आएंगे, नो कमिंग। ओके संदलो। सब ठीक बेटा? फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, डॉक्टर वर्मा नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। कोई परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं,
मुझे तो लगा कि आप गुस्से हो जाओगे, डांटोगे और फिर माँ 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 ये क्या कर रहे हो? घर जा रही हूँ, हम यहाँ कल आएंगे जब डॉक्टर वर्मा यहाँ होंगे, मेरी डिलीवरी कल होगी। आंटी मैं आपके लिए भी एक मूवी टिकट बुक करूँ क्या? माँ माँ आप ये क्या कर रहे हो? अरे 9 महीने से पेट में रखा है, एक दिन और रखिए तो कौन सी आफत आ जानी है। परमिंदर हाँ जी हाँ जी, मेरी चप्पल पास करी। हाँ जी। बहन माँ प्लीज अब सो जाओ प्लीज। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में तभी लाऊंगी जब डॉक्टर वर्मा यहाँ होंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ओके तो फिर हम डॉक्टर वर्मा को ले आएंगे। सच्ची? मेरी अच्छी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, अच्छी सी ड्रैक्यूला। चल बहन। वाह भाई, अब कुछ और लोग मेरी पूछ के बारे में पूछेंगे। दरवाजे नहीं खोल सकता, मुझे अलाउड नहीं है। ओए काश हम सचमुच में अजनबी होते। चल चल दरवाजा खोल। ओए ये क्या, ये घर में ये सब क्या हो रहा है भाई? तेरे बालों को क्या हो गया है पंडवट? आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। ओ देखो देख, ये जो कुछ भी हुआ है ना मेरे यहाँ पर पहुँचने से पहले हुआ है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा सुन, तेरी बहन डॉली का मुझे फोन आया अभी अभी, तुझे मेरे साथ जल्दी से हॉस्पिटल चलना है, चल। मुझे नहीं आना हॉस्पिटल, मैं नहीं देखना उस बच्चे को, पैदा ही क्यों हो रहा है वो। तो ये बात है, चल ठीक है आजा आजा पुत्र, तुझे मैं एक कहानी सुनाती हूँ, चल बैठ जा, सिट डाउन। जब मैं 4 साल की थी ना, तब मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी। मुझे ना वो पैदा होते बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। मैं उसके कभी बाल नोचती, कभी उसको चिकुटी काटती, तब तक उसको सताती रहती थी जब तक वो रो नहीं देती थी। बस साल बीतते गए और हम दोनों बड़ी हो गई, पर पता है मुझे ना वो आज भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये सुन के मुझे क्यों अच्छा लगेगा? मैंने कब कहा कि तुझे अच्छा लगेगा, मैं तो वैसे ही स्टोरी टेलिंग। यस अच्छा चल चल हॉस्पिटल पहुंचना है, चल जल्दी कर, चल चल। ओए होए बीच बीच में रखे हुए सब, चल। अरे 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 बच्चे लोग, अरे 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 लड़े मत, छोड़ छोड़ जो जाओ जाओ, चलो चलो खेलो उधर, खेलो खेलो। अरे तुम लोग भी ना यार, मैंने बैटमैन मंगवाया था, ड्रैकुला नहीं। और तुम क्या चीज हो? पूछो मत। नहीं नहीं देखिए, हम आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए नहीं आए, एक्चुअली आपने मेरी डिलीवरी की थी। तुम्हारी डिलीवरी? नहीं नहीं नहीं, मुझे याद रहता। अरे नहीं, मैं डॉली, हिमानी सिंह की बेटी, मेरी मॉम हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी के लिए। देखिए आज मैं कहीं नहीं जा सकता, आज मेरे बेटे के बर्थडे है और मैं अपने बेटे के साथ मजा करना चाहता हूँ। और किसने मारा? मिश्रा तूने, तूने नहीं, तूने तूने मारा ना, तूने बॉल मारा ना। अरे 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 गिरा मत, अरे गिरा मत बच्चे लोग, अरे गिरा दिया, अरे गिरा दिया। आइडिया आइडिया आइडिया, देखिए आप एक काम करिए, आप हॉस्पिटल जाके डिलीवरी कीजिए और हम यहाँ पे रह के बच्चों को संभालते हैं। हम बच्चों को कैसे संभालेंगे? हम इनके सामने अपना प्ले करेंगे जो कमाल का है। इसमें दो अलग अलग दुनिया के लोग अपने बीच की दूरी को भुलाकर दो से एक हो जाए। मंजूर है, मंजूर है, मुझे मंजूर है। भगवान आप दोनों की रक्षा करें। चलो चलो मैं चलता हूँ, चलो 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 चलो। तो बच्चों हमारा नाटक कौन देखेगा? अगर अब किसी ने बॉल मारा ना तो उसका फुटबॉल बना के खेलूंगी मैं। Thank you.
जी वाह, जब भगवान देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। हम मुर्गियों के टेम्पो में पूरे एक घंटे का सफर तय करके आ रहे हैं। पर वो टेम्पो मुर्गियों का नहीं था, किसानों का था। आप लोग सिंह परिवार से हैं? हाँ। आपको कुछ पता चला? बस ऐसे ही तुक्का समझो। वहां जाइए। अच्छा अच्छा, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओए, ऐसे ही थोड़ी चले जावेंगे? अब तो हमारे भी जज्बात जुड़ गए थारे बच्चे के साथ। अब तो हम इत्थे इंतजार करेंगे, क्यों भाई? ठीक है ठीक है, चल चल चल। और जल्दी चल ना, ना बात सुन। ओए, उल्टी करने के लिए तुझे मेरी कार मिली थी है? आंटी, ये तो होना ही था ना। है? मैं सुबह से चॉकलेट और आइसक्रीम जो खा रहा हूँ। मैडम जी, मैडम जी मेरी भी तो बात सुनो ना। और इस मुसीबत को, मतलब इस बच्चे को मैं हिमानी सिंह के पास छोड़ने के लिए आई हूँ जी। कमाल है। ओए, हम लोग सिंह परिवार के साथ है। अच्छा, तो मैनू की लो, तो फिर ठीक है, संभालो अपनी सौगात अच्छी तरह से संभाल लेना। हाँ। ओए छोरे, मन ने तारा हेयर स्टाइल्स बड़ा अच्छा लागे से। और मुझे आपका। हेलो हेलो जी, इस अस्त व्यस्त खंडरनुमा घर में कोई है जी? है। ड्रैकुला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। दोस्ती? पर तुम जैसे खून पीने वाले दरिंदे से मुझ जैसी नीली नीली पूछ वाली फूल सी गुड़िया दोस्ती कैसे कर सकती है? हो सकती है, अगर ये बच्चे चाहे तो। बच्चों, बजाओ ताली। बच्चों, ताली बजाओ। ऐसे बजाओ, बजाओ ताली, ताली बजाओ। डॉली, डॉली, बहुत हो गया, बस रोको इस नाटक को यहीं। लाइन बुलबुल, लाइन। डॉली, इन बच्चों को देख, सब बोर हो गए हैं, बंद कर अब। ऐसे कैसे रोक दे पैम? ड्रैकुला की दोस्ती का सपना अभी भी अधूरा है। मैन, आई एम वेरी सॉरी ड्रैकुला, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है। बच्चों, ड्रैकुला को बॉल से कौन कौन मारेगा? क्यों मारा बेटा से? शमशेर बहादुर वीर प्रताप सिंह, हरियाणा वाला। तो बेटे का नाम इतना लंबा है? है नहीं था, उसने अपना नाम बदल के टोमी रख लिया, गद्दा कहीं का। पहला बच्चा है, देखकर ही समझ गए। क्या है ना कि मैं बहुत बार कर चुका हूं, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम पहले ये कर चुके? ये कुर्सियों पे ये मेरी तीसरी बारी है। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ। जब पहली बार था तो तुम्हारी उम्र क्या थी? पहली बार मेरी उम्र 2 साल। डिलीवरी हो गई क्या? अभी तक तो नहीं। हाय दी। हे, तेरी हेयर स्टाइल को क्या हो गया? ओए, तू डॉली है ना? हाँ। तू तो वैसे दिखती जैसे सनी ने बताया था। थैंक्स डॉक्टर। कम रोहन, आओ बच्चों, देखो कौन आया। आओ। अपनी नन्ही सी बहन को हेलो बोलो। आओ आओ देखो। माँ, क्या मैं इसे उठा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन ध्यान से। कितनी क्यूट है, एकदम परी जैसी।
बेबी सिस्टर कितनी क्यूट लग रही है। डर मत, मैं रोज ऐसे नहीं दिखती। मैडम आप हमारी फोटो खींच देंगी प्लीज? क्या नाम रखा है बच्चे का? इसका नाम है निकिता। माँ क्या हम इसे निकी बुला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा नाम है। काफी अजीब फैमिली है। बेस्ट ऑफ लक निकी। कितनी प्यारी फोटोग्राफ है ना? डॉली तुम्हारा गिफ्ट ना सबसे अच्छा है। वो तो होना ही था मम्मी, इन दोनों ललुओं की गिफ्ट के बाद मेरा गिफ्ट तो अच्छा होगा ही। हाँ, अरे बलवान महाबलवान अंदर आ जाओ। आप दोनों यहाँ कैसे? अरे हम तो अपनी प्यारी सी बच्ची के लिए उपहार लेकर आए थे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता। आपने इन्हें यहाँ बुलाया? नहीं नहीं मैंने नहीं बुलाया। तो फिर इन्हें जाके कह दो ये हमारी घर की पार्टी है। नहीं मानी, मैं ये बात कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है मैं जाके कहती हूँ। किसान जी मुझे आपसे कुछ कहना है। अच्छा इतना प्यारा, हाय नजर में लगे तुझे, देखो जी कितनी अच्छी लग रही है ना, हाय प्यारी सी बच्ची मेरी। आप दोनों इस घर को अपना ही घर समझिए। अच्छा आइए आइए आइए, केक खाइए केक खाइए। हाय 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 मारी जाऊं, हाय। ये निकी आज मैं तुझे वो चीज दिखाऊंगी जो अब तक किसी ने नहीं देखी। सनी कंगी कर रहा है। सनी दीदी आप सब कुछ क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? ये कोई रियलिटी शो थोड़ी ना है। रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आज सनी बिना किसी के कहे ही नहाया। पता है सनी मैं क्या सोची थी? तुझे कोई लड़की पसंद है। दीदी मुझे कोई लड़की पसंद भी है तो इसमें बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं सनी, बहुत बड़ी बात है, तेरी पहली पसंद। दीदी वो एक लड़की मैं एक लड़का, ऐसी चीजें तो हर रोज होती रहती है। पर तेरे साथ तो ये पहली बार हो रहा है ना? मुझे यकीन नहीं होता। चलो बच्चों जल्दी करो, देर हो रही है। रोहन 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 आज जब तू कॉलेज से वापस आएगा तो क्या निकी को संभाल लेगा? आज हॉस्पिटल में ना मुझे देर तक काम है। हो माँ आज तो मुझे भी काम है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं निकी को साथ ले जा सकता हूँ। क्यों निकी मेरे साथ कुकर नुक्कर बांटने चलेगी? हाँ ये निकी मम्मा के साथ हॉस्पिटल में खूब शाले मलीजों के साथ खेलेगी। नहीं 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 एक काम कर तू इसे ले जा। हाँ। सनी सनी तूने मम्मी का परफ्यूम लगाया? थोड़ा सा। क्या हो गया है तुझे? मर्द होकर औरतों का परफ्यूम। पापा आप ये बेबी पिंक शर्ट पहन के मुझे ऐसा भूल गए? चल बेटा सनी आज कोई गड़बड़ नहीं। अबे कुछ तो बोल। हाय मैं हूँ सनी सिंह। नहीं Myself सनी सिंह। नहीं यार यो 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 मी सनी बनी। क्या कर रहा है? मेरा गला सूख रहा है, मुझे जूस पीना चाहिए। ये जूस है सुसुनी। चल बेटा सनी तेरी तो निकल पड़ी। हेलो तुम्हारी बहन घर पे है? हाँ है। कौन था सनी? रोली आंटी, एक बेवकूफ से सवाल के साथ। वैसे एक सवाल और भी है, क्या मैं तुम्हारी बहन से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ आंटी बिल्कुल। ओ डॉली डॉली ऐसा है कि ना मैं कुछ दिन के लिए ना शहर से बाहर जा रही हूँ, हैं? तो मैं ना ये जानना चाहती थी कि क्या तू मेरी बिल्ली बटरफ्लाई को संभाल सकती है?
वो क्या है ना आंटी, आपको तो पता है मेरा स्कूल है, फिर होमवर्क, उसके बाद घर, फिर निकी। वैसे हर रोज के मैं 500 रुपए दूंगी, लेकिन आपके लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। थैंक यू। ऐसे डॉली, मेरी ये जो बिल्ली बटरफ्लाई है ना, इज द फर्स्ट एंड द लास्ट लव ऑफ माई लाइफ। यस। और सुरेंद्र अंकल? ओ, मैंने कहा ना, माई बिल्ली बटरफ्लाई इज द फर्स्ट एंड द लास्ट लव ऑफ माई लाइफ। गोइंग बाय। कुकर्नुकर, ये आपका कुकर्नुकर, आपके हो गए 270 रुपए। ये लो। अरे, ये परी जैसा बच्चा कौन है? रोहन सिंह। इस बच्चे की बात कर रही हूँ। ये मेरी छोटी बहन निकी। वो क्या ना कि मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है। तो देखो, ये 500 में बिल के पैसे काट के बाकी तुम रख लो। लेकिन आंटी, वो तो 200 से भी ज्यादा टिप है। कोई बात नहीं, क्या है ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में जो है। पर मेरी मम्मी हॉस्पिटल में तो क्या बताओ आंटी, आसान नहीं, मजदूरी भी तो है। आंटी, आपने चिकन का मजा ले, ठीक है? ख्याल रखना अपना, इसका भी। बेचारे बच्चे। निकी, अब से तुम और मैं चिकन डिलीवरी पार्टनर्स, ठीक है? इट्स द फर्स्ट एंड द लास्ट लव ऑफ माय लाइफ, माय डार्लिंग। अच्छा सुनो मेरी बात डॉली, इसको ना सुबह नाश्ते में दूध के साथ काजू, किशमिश और बादाम जरूर देना है। और शाम को ना मेरी सिस्टर पिंकी आएगी खेलने के लिए, वो अपनी बिल्ली शेरू को लेके आएगी, और शेरू और बटरफ्लाई फ्रेंड्स हैं ना, ये दोनों आपस में खेलेंगे। अच्छा सुन, ऐसा है, मैं जब जाऊंगी ना तो ये जरूर रोने लग जाएगी। तो क्या आप चाहते कि मैं चूहा बन जाऊं? हाँ बिल्कुल, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मैं तो मजाक नहीं कर रही हूँ ना डॉली, और मैं पैसे दे रही हूँ इसको संभालने के लिए तुम्हें, है? चुपचाप फर्श पर लेट कर चूहा बन जाओ इसके लिए। पर आंटी, चल चुपचाप फर्श पे लेट जा, चूहा बन जा। हाँ चल, चू चू चू। ये क्या चू 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 लगा रखा है? चूहे की तरह ना पहले नाक ऊंची कर, नाक ऐसे ऐसे, और फिर ना दो दांत, और सारे नहीं, दो, सिर्फ दो दांत, तू तू है? ये बाहर निकाल के ना ऐसे कर, जैसे चूहे ना पनीर को तरते ना, अब नाक तो ऊंची कर, ना नाक तो ऊंची कर, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ। डार्लिंग बटरफ्लाई, माय फर्स्ट एंड द लास्ट लव ऑफ माय लाइफ। डॉली, कुछ खो गया क्या? बस मेरी इज्जत। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। वो स्कूल में मेरा एक दोस्त है जो जानना चाहता है कि लड़कियों से बात कैसे करे। अच्छा, उस लड़के का नाम क्या है? नाम? हम नाम नाम उसका नाम ही थे। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, अगर तेरे को कोई लड़की पसंद आती है तो दिल में मत रख, खुल के बता। रहने दो, इंटरनेट से देख लूँगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तुझे बताती हूँ ना, तूने उस लड़की से बात की? लेकिन मम्मी, मैं उसे बात कैसे करूँ? जब भी उसे देखता हूँ दिल धक धक करने लगता है, हाथों में पसीना आ जाता है, गला सूख जाता है, लेकिन मैं बात ही नहीं कर पाता। तुझे पता है, जब पहली बार मुझे एक लड़का पसंद आया था। कौन? तब पापा। हाँ, वही समझ ले। लेकिन माँ, मैं उससे बात कैसे करूँ? जब भी तुझे उससे बात करनी है ना, तो सवाल किया कर और जवाब उससे लिया कर, तो उससे ऐसी बातें किया कर जो तुम दोनों के बीच में कॉमन हो। मैं सवाल करूं और वो जवाब दे, ये तो बड़ा आसान है। देख,
प्यार के जो रिश्ते होते हैं ना वो सबसे मीठी चीज होते हैं, इसीलिए तो शादीशुदा लोग सबसे सुखी होते हैं, खुश होते हैं। माँ, जब पापा आपसे बात करते थे तब वो भी घबराते थे क्या? वैसे तो आज भी घबराते हैं। हाय पापा। हाय पापा। कल क्या निकी को आप संभाल रहे हो? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। मुझे निकी को कल काम पे साथ लेके जाना चाहिए क्योंकि सनी को बड़ा करने में मैंने आपकी ज्यादा मदद नहीं की। भाई साहब, सनी को बड़ा करने में आपने मेरी इतनी सी भी मदद नहीं की है। वही तो, और यही भूल मुझे दिन रात सताती है। मैं ये भूल सुधारना चाहता हूँ। मैं निकी को पाल पोस के बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हुई ना बात। थैंक यू। ये केक की स्मेल आ रही है, भूख लगी है, केक खाने का मन कर रहा है। ये लड़का पक्का कोई गड़बड़ करने वाला है, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ नहीं, पहले केक खा लूं। हाय, हाय, अपने बारे में कुछ बताओ। क्या मतलब, अगर तुम बताना चाहो तो ठीक है, पूछो। क्या जानना चाहते हो? फैमिली के बारे में। मैं अपने घर में इकलौती बच्ची हूँ। मैं भी। अच्छा, और कुछ? मेरी मम्मी पापा एक साथ नहीं रहते, दोनों अलग हो चुके हैं। ओ, मेरे भी। अच्छा, तो तुम किसके साथ रहते हो? तुम किसके साथ रहती हो? मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ। मैं भी। हम दोनों में कितनी सारी बातें ना जो बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे लगता। खैर, चिकन सैंडविच? मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं भी। बटरफ्लाई, ये देखो, ये है चूहा, पकड़े से। ठीक है, नहीं पकड़ना, रहने दे। रुक बटरफ्लाई, मैं अभी आई। रोली आंटी, आप फिर से यहाँ? नो 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 नो, मैं तुम्हारी रोली आंटी नहीं बल्कि उसकी सिस्टर पिंकी हूँ, तुम्हारी पिंकी आंटी यार। बटरफ्लाई माय बेबी। ओके शेरू, आ जाओ बाहर। चलो शेरू, अब अपने बेस्ट फ्रेंड बटरफ्लाई के साथ खेलो। ओ नो, क्या हुआ? पहले तो बटरफ्लाई जब भी मेरे शेरू को देखती थी ना, खुशी के मारे जंप करने लग जाती थी, लेकिन अब ये तो सुबह से ऐसे ही बैठी है। मेरा मतलब लेटी पड़ी है, ये बीमार तो नहीं? अगर मेरी सिस्टर रोली को ये पता चल गया ना कि तुम लोगों ने उसके बच्चे को बीमार कर दिया है, तो जानते हो तुम लोगों का क्या होगा? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, इतना तो वो समझ जाएंगी, है ना? वैसे तो वो काफी समझदार है। अच्छा, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, चलो चलो कोई तमाशा करो। हाँ बटरफ्लाई, माय गॉड, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे बताइए ये कैसे मानेगी? बटरफ्लाई, मैं मिस्टर चूहा हूँ। ये तो और भी गड़बड़ लग रहा है। जब सब ठीक था तो हम हर दिवाली में नए कपड़े खरीदते थे, लेकिन इस दिवाली में और मिठाई भी तो। फटाके, ये रो आंटी। अभी तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? जैसे पहले थी आंटी, लेकिन हमारी हिम्मत
हमारी हिम्मत अभी तक नहीं टूटी। बेचारे बच्चे, अब ये तुम सारे रखो, हाँ रखो। बताया आंटी, सबसे बुरा तो उस निकी के साथ हुआ है। जब भी अपनी माँ को याद करती तो कुछ ऐसा करती। बिल्कुल ऐसे। बेचारी बच्ची। सुनो जी, जरा बाहर आना और साथ में बटुआ भी लाना। इतनी जल्दी आने के लिए थैंक्स डॉक्टर तुषी। तुषी नहीं तो शी। और धन्यवाद क्यों? बटरफ्लाई तो मेरी सबसे खास क्लाइंट है। मुझे नहीं पता था कि जानवरों के डॉक्टर घर भी आते हैं। मैं वो डॉक्टर नहीं जो तुम सोच रही हो, मैं तो थेरेपिस्ट हूँ, थेरेपिस्ट। क्या हुआ बटरफ्लाई को? अच्छा, इसका पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। इसके दिल के चक्र टेढ़े हो गए हैं। ऑटी कैसी है? ठीक है, आपकी कैसी है? ये सवाल तुमको पर्सनल नहीं लगता? खैर, जब तुमने पूछ ही लिया है तो एकदम बढ़िया, कड़क और फ्रेश। हम अपनी बातें बिली तक ही रखते हैं डॉक्टर तुषी। तुषी नहीं तोशी। आपका कोई पहला नाम है? त्रिशला, डॉक्टर त्रिशला तोशी। अच्छा, तो क्या मैं आपको डॉक्टर टीटी बुला सकती हूँ? तो क्या क्या आप इसका इलाज कर सकती हैं? क्या आप इसका इलाज कर सकती हैं? नहीं, लेकिन तुम कर सकती हो। बटरफ्लाई खुद को अकेला महसूस कर रही है, इसको डिप्रेशन हो रहा है। अब तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने मन से इसको प्यार भरी एनर्जी भेजो, ताकि इसको लगे कि तुम्हें इसकी फिक्र है। क्या आप इसे कोई इंजेक्शन या दवा नहीं दे सकती? बस तुम प्यार भरी एनर्जी भेजो। क्या तुम्हारे मन में कोई ख्याल आया? हाँ, इस समय तो कई सारे आ रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे बारे में अपनी मॉम को बताया तो उन्होंने कहा जाके सनी से मिल लेते हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि निधि को तुम्हारे जैसे एक दोस्त मिल गया जिसकी फैमिली एकदम हमारे जैसी है। जी बिल्कुल। तो क्या अब हम अंदर आ जाए? हाँ आ जाइए। अब बस एक मिनट रुकिए, मैं भी आया। आपने बिल्ली क्यों पहन रखी है? मैं इसके दिल का चक्र ठीक कर रही हूँ। मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। निधि यहाँ अपनी मम्मी के साथ आई है। तो मैंने उसे कहा था कि मेरे मम्मी पापा अलग हो चुके हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अब मैं क्या करूँ? ध्यान रख, तेरी वजह से बटरफ्लाई को टेंशन हो रहा है। लेकिन निधि आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें भगाती हूँ। लेकिन आप उनसे क्या कहोगे? आप उनसे ये नहीं कह सकते कि आप मेरी बहन हो। तो मैं उनसे कहूंगी कि मैं काम वाली बाई हूं। ठीक है। नमस्ते जी, मैं हूँ इस घर की काम वाली। मैं हूँ स्नेहा और ये मेरी बेटी निधि। आपने बिल्ली क्यों पहन रखी है? क्योंकि हमारे देश में कहावत है, घर में ना आए बास, जब बिल्ली रखोगे दिल के पास। तुम्हारा देश कौन सा है? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान? हाँ हाँ भाई, देखिए मैडम जी घर पे नहीं है और मुझे पूरा घर साफ करना है, तो जैसे हमारे देश में कहते हैं, चलिए चलिए आगे बढ़िए, चलते बनिए। सुनो, लेकिन तुम उनको बता देना जरूर कि हम आए थे। हाँ हाँ, आपके मुंह से निकला और उनके कान तक पहुँच गया, अब जाइए। अब ये कौन है? ये डिलीवरी करने वाला लड़का। डॉली, ये बिल्ली क्या है? काम से काम रखो और मुझे डॉली मत बुलाओ। अब बाहर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि घर की घंटी कैसे बजाते हैं।
लगता है लोगों को ठीक से काम करना नहीं आता। और मैं हूँ टुकड़ डिलीवरी करने वाला लड़का, देखो मेरी टोपी। रोहन या जो भी तुम्हारा नाम हो, क्या तुम हमेशा बच्चे के साथ कुकर डिलीवरी करते हो? ओ, हाँ, जैसे तुम बिल्ली के साथ झाड़ू लगाती हो, वैसे मैं बच्चों के साथ डिलीवरी करता हूँ, कुकर डिलीवरी। और देखो कौन है। हेलो, मैं हूँ अवतार। बिजली वाला? अवतार बिजली कंपनी से। हाँ, लेकिन तुमने गले में ये बिल्ली क्यों टांगी हुई? वो सब छोड़ो, हमारी वरांडा का एसी खराब हो गया एसी। चलो चलो चलो। अरे लेकिन वरांडा में तो एसी होता ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं होता है लेकिन लगवा लेना चाहिए, है ना? कितनी गर्मी बढ़ गई। चलो चलो चलो। अरे मम्मी, अब आप नमस्ते जी। नमस्ते, मैं स्नेहा, निधि की मम्मी। मैं हिमानी। अरे ये सब कर क्या रहे हैं? अरे हिमानी, आ गई तुम? इस बिजली वाले के साथ आपकी काफी अच्छी दोस्ती लग रही है। अब क्या करें, साथ साथ जो रहते हैं। अच्छा, तो ये बिजली वाला आपका बॉयफ्रेंड है? क्या हूँ? ये बिजली वाले मेरे पति हैं। अच्छा, तो आपने फिर से शादी कर ली? फिर से मतलब? लेकिन निधि ने तो मुझे बताया था कि आप दोनों अलग हो चुके हैं। पर ऐसा तो मुझे सनी ने बोला था। मैंने तुमसे एक छोटा सा नन्हा सा झूठ बोला, सॉरी। मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि तुम मुझे पसंद करो। ओ हेलो 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 जी, हेलो जी। लो जी लो, मैं तो वापस आ गई। अब ये कौन है? या तो ये पिंकी आंटी है जो बहुत अच्छी है और चॉकलेट देती है, या तो ये उनकी जुड़वा बहन रोली आंटी है जो एक नंबर की चुड़ैल है। बस बहुत हो गई कहानियां, अब चलो मॉम। अच्छी खबर ये है कि बटरफ्लाई बिल्कुल ठीक हो गई, उसे तो बस पॉटी करने की जरूरत थी। लेकिन बुरी खबर ये है कि सनी और निधि की दोस्ती टूट गई। पर अच्छी खबर ये है कि मुझे अब फिर से नहाना नहीं पड़ेगा। वाह, कितनी अच्छी खबर है ये। अगर सनी कभी तुम्हें गले लगाए तो बेस्ट ऑफ लक निकी। ऐसा कभी नहीं होगा। माँ, मुझे निकी को कल काम पे लेके जाना होगा। एक बात बता, तू रोज रोज निकी को अपने साथ काम पे क्यों लेके जाता है? क्योंकि मुझे अपनी बहन से प्यार है। कोई भी नहीं। जी कहिए। जी, मैं आप सबके लिए थोड़ी बिरयानी लेकर आई हूँ। जी जी, वो जब से रोहन की मम्मी हॉस्पिटल में है, बेचारा नन्नी सी निक्की को खुद पाल रहा है। एक मिनट, मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। आप जो मटन बिरयानी, वाकई बड़ी दुख की बात है। और ऐसे में पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बचा लोग, खाना तैयार है। दरवाजा खुला है। एक और, और एक और। ये सब क्या है? नंदा, हम सब छह जुड़वा बहने हैं, छह। या एंड यू नो बेबी, लोग कहते थे हमारे मम्मी पापा ने सिक्सर मारा। एंड यू नो बाबा, ये 1958 में ना, ये शहर की सबसे बड़ी खबर थी। पता है इस साल की सबसे बड़ी खबर क्या होने जा रही है? क्या? कि हम सब छह की छह जुड़वा बहनें इस साल फिर से मिलने जा रही है। तो बाकी की तो क्या है? अरे
विद्यार्थियों, ये है आपके अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम के अंक, यानी इस सेमेस्टर के मार्क्स। इससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोगों ने अब तक हिंदी भाषा में कितनी उन्नति की है। वैसे आप लोगों के लिए उन्नति शब्द का प्रयोग करना गलत होगा। हाय रब्बा प्लीज 75 मार्क्स आ जाएं। हाय रब्बा प्लीज, हे भगवान प्लीज प्लीज बाबा जी मैं पास हो जाऊं। प्लीज प्लीज बाबा जी लास्ट एक बार और पास कर दो प्लीज प्लीज। सुरेंद्र, हिंदी तो आप रहने दीजिए, आप व्यायाम शाला में भर्ती हो जाइए। हीरो तो आप बन ही जाएंगे, बाल भी बिल्कुल वैसे ही काटे हैं आपने, भविष्य उज्ज्वल है आपका। शर्मिंदर हैं लॉली। ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत घटिया है। मुझे पूरे 50 मिले और मुझे भी। यार डॉली, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे को 50 मार्क्स मिले हैं। मम्मी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी, या फिर बेहोश भी हो सकती है। फिर क्या, ये साइड हो ना। सर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? प्रश्न पूछ लिया, अब जा सकती हैं। सर, मुझे अपने मार्क्स के बारे में बात करनी थी, क्योंकि मुझे 75 की उम्मीद थी। उम्मीद और नतीजे में बहुत बड़ा अंतर है, खासकर आपके मामले में। मेरा बेटा फुटबॉल मैच के लिए तैयार है। क्या माँ, क्यों जाना है? वैसे भी तो हमेशा की तरह हारना ही है। मैंने तो सुना है कि तुम लोग मैच खत्म होने के पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाते हो। देखो बच्चों, अपनी सोच हमेशा ना पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो क्या हो गया अगर तू 11 मैचेस एक के बाद एक हार गया है? अगर तू ऐसा सनी, बुरी खबर, मैं तेरे साथ मैच के लिए नहीं आ सकता, एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी? हाँ, वो जिस बिल्डिंग में मैंने वायरिंग की थी उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और बहनों और भाइयों, उन लोगों को उस खतरे से बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है बनी, जिसे कहते हैं अवतार बिजली कंपनी। टिंग टोंग। फटो। अगर हमारे कोच नहीं है तो मैच खेल ही नहीं सकते। बेटा जी, मैं बन सकती हूँ तुम्हारी कोच। भानी जी, आपने बात बहुत अच्छी कही, लेकिन ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। सुनो जी, अगर आप मैच हार सकते हो तो आपसे भी अच्छी तरह मैं हार सकती हूँ। लेकिन मैं ये क्या बोल रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं कोच वोच नहीं बन सकती। मुझे तो निकी को लेके नानी घर जाना है। माँ, निकी को नानी घर मैं ले जाऊंगा। नहीं बेटा, ये आइडिया बुरा है, क्योंकि वहां पर जाके ना निकी के साथ साथ नानी को भी संभालना पड़ता है। वैसे ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, एक काम कर, तू ही ले जा। हे निकी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन डॉली, या ये कहो तुम्हारी बड़ी असफल बहन डॉली। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि आज मैं कितनी दुखी हूँ। आज पहली बार मुझे 50 मार्क मिले। और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ, आज मुझे पहली बार 50 मार्क्स मिले। ओ यस, ओ यस, ओ यस, यस, यस। सॉरी निकी, तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे 50 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? मुझे भी यही लगता है। मुझे लगता है वो पाथा सना मुझे चिढ़ते हैं। एक बात बोलूं, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो जब भी तुझसे बात करते हैं ना तो ऐसी शक्ल बनाते हैं जैसे कोई मर गया हो। हाँ, कोई मर गया और वो मुझसे चिढ़ते हैं? तो छोड़ ना, अगर कोई तुझे पसंद नहीं करता तो किसे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, हर कोई मुझे पसंद करता है। बड़ी बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे जैसे लोगों को सब पसंद करते हैं। हाय पापा। अरे तो कैसी है नानी माँ और तुम्हारी सारी आंटियां? नानी और सारी आंटियां एकदम खुश। बढ़िया, मैंने उन्हें चुटकुले सुनाए, गाने गाए
और उनके फोन के रिंगटोन भी बदले। बहुत मजा आया। निकी को मजा आया कि नहीं? पता नहीं, मैं तो आंटीज के साथ बिजी था, निकी को देखा ही नहीं। ओ, कितने बुरे तरीके से हारे। बड़े बुरी तरीके से हारे। दूसरी टीम, हम तो जीत गए, जीत गए हम। अरे झूठ बोल रही हो तुम। अरे झूठ क्यों बोलूंगी मैं? एमी? अरे मैं नहीं मानता। सनी कहाँ? सनी आइसक्रीम खाने गया है। ऐसी जीत के बाद बच्चों की एक आइसक्रीम तो बनती है ना, है कि नहीं? सेलिब्रेट कर रहा है वो। आपको पता है सारे बच्चे वहां हिमानी 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 चिल्ला चिल्ला कर थक गए। मैं सोच रही थी एक गेम ही तो जीती हूँ मैं, उसके लिए इतना शोर। अरे दूसरी टीम आई ही नहीं होगी। अरे बिल्कुल आई, क्यों नहीं आते वो? लेकिन ये सोच रहे थे कि वो आई क्यों। कमाल हो गया। कमाल तो हो गया जी, लेकिन जैसे आप सोच रहे थे ना, ये इतना मुश्किल नहीं था। मैंने बच्चों को बोला बस टूट पड़ो और मस्ती करो। तुमने मेरा प्लान इस्तेमाल किया? हाँ बिल्कुल इस्तेमाल किया। क्या ना, वहाँ के बेंचेस बड़े गंदे थे, इसलिए मैंने आपका प्लान वहाँ बिछाया और फिर बैठ गई। बेंचेस गंदे थे। हाँ, फोन। हेलो। हाँ हिमानी सिंह। नमस्ते नमिता आंटी। सॉरी जी मैं वहाँ आ नहीं पाई, रोहन से बात करनी है। मैं बुला देती हूँ। रोहन? ए सरे मेरा जीता हुआ चीता। हाँ पापा। कांग्रेचुलेशंस। वैसे तो एक तुक्का ही था कि तुम अपनी मम्मी की कोचिंग से जीत गए, लेकिन हाँ इससे एक नई शुरुआत की जा सकती है। पापा शायद हमें कुछ जरूरी बात करनी चाहिए। किस बारे में? पहले प्याओ बैठो। ओके okay. हाँ लो अब बोलो। पापा ये बात आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्या? देखो सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ये सबके लिए अच्छा होगा अगर हम हमारी कोचिंग स्टाफ में थोड़ा सा बदलाव ला दें। कोचिंग स्टाफ? अरे मैं ही हूँ तुम्हारा पूरा कोचिंग स्टाफ। एक मिनट, तुम मुझे कोच की पोजीशन से हटाने के बारे में सोच रहे हो? मुझे? अरे जिसने टीम के लिए दिन रात एक किया, अपना खून पसीना बहाया उसे। पापा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सनी तुम ये क्या कह रहे हो? अरे प्लीज ऐसा मत करो, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पापा हमारी बात खत्म हो चुकी है। नमस्ते सर। सुप्रभात। मैं आपके लिए घर से कुछ स्पेशल बना के लाई। डॉली सिंह, विद्यालय के नियमों के अनुसार मैं कोई उपहार नहीं ले सकता, और ये मंदिर का प्रसाद भी नहीं लग रहा है, तो कृपया। मुझे लगा कि आप मेरे जैसे मिठाइयों के शौकीन होंगे, क्योंकि हम दोनों के संस्कार एक जैसे हैं ना। ओ संस्कार, ये कहानी तो सुननी पड़ेगी। हैं? बोलिए। देखिए सर, मैं हूँ सिंह और आप हैं पार्था श्रीवास्तव। मैं हूँ दिल्ली से और आप हैं यूपी से। अब दिल्ली और यूपी का तो पुराना रिश्ता रहा है ना सर। डॉली सिंह, बात को घुमाए फिराए बगैर मुद्दे पर आते हैं। आप यहाँ पर मार्क्स के सिलसिले में आई हैं, है ना? अब पता चला यूपी में इतना सूखा क्यों पड़ता है। आपके बुरे अंकों की वजह है कथा व्याख्यान, अर्थात स्टोरी टेलिंग। पर सो, मैंने तो उस पे इतनी मेहनत की थी। हाँ पर शायद कहीं पर कोई कसर रह गई, इसीलिए तो अंक कम आए हैं। नरेशन नरेशन, कहानी सुनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। जो हिंदी बोलती हो ना उसे महसूस करो, महसूस। सूखा वहां पड़ा है समझी।